बिस्मिल तैयार है, एक सेकंड, पीटी भी तैयार है। नहीं तैयार हो तो तैयार हो। जी बेस, एक सेकंड, आपने करनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस? अच्छा अच्छा कैसे हैं आप? ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। मीडिया के साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सुप्रीम कोर्ट में एक तारीखी केस की समाअत इसलिए हो रही है क्योंकि अब फैसला कुन घड़ी इसलिए है कि ये जो लानत है हॉर्स ट्रेडिंग, इसके खात्मे के लिए ये बेहतरीन मौका है। और इमरान खान साहब ने हर सतह से करप्शन के खात्मे के लिए जद्दोजहद की है और ख़ास तौर पे ये जो ज़मीर फरोश हैं इनके खिलाफ इमरान खान साहब ने अमली इकदाम भी किए और उन इकदाम में पहला कदम था जुडिशल कमीशन का क़याम 2014 में हमारे भरपूर एहतजाज के बाद, जो हमने 126 दिन का धरना दिया धांधली के खिलाफ और चीफ जस्टिस नासिर मुल्क की सरबराही में वो जुडिशल कमीशन बना और उसने इलेक्शन के अंदर 21 से ज़्यादा फाइंडिंग्स दी और फिर हम ईवीएम लेके आए और ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट लेके आए और सिस्टम की दुरुस्ती के लिए हमने इंतखाबात के अंदर रिफॉर्म्स जो हैं वो लेके आए। नंबर टू, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट के इलेक्शन 20 लोग हमारे पिके थे, इमरान खान साहब ने प्रैक्टिकल इकदाम किया और उन्हें पार्टी से बाहर निकाला। उसके बाद नंबर थ्री, सीक्रेट बैलेटिंग के ऊपर हम सदाती रेफरेंस लेके आए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का उस पर फैसला आया कि जो सीक्रेट बैलेटिंग है वो एब्सोल्यूट सीक्रेसी नहीं है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है। उस पर इलेक्शन कमीशन ने काम करना था, अभी तक कोई काम नहीं किया, लेकिन वो भी एक अमली इकदाम था कि हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा किया जाए इलेक्शन से। नंबर चार वो है ये वाली समाअत, जो लोग अपने ज़मीरों का सौदा करते हैं, पैसे लेके वोट दूसरी तरफ देखते हैं, फ्लोर क्रॉस करते हैं, उनके खिलाफ आर्टिकल 63 जो है उसकी इंटरप्रिटेशन का ये केस है। अब 2018 में मुअज्जज़ अदालत के 5 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया हुआ है कि नाअहली जहाँ पे उसकी मुद्दत का तहय्युन नहीं है वो तहयात नहीं है। तो बहरहाल इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा मुअज्जज़ अदालत का। इस वक्त हमें हर तरीके से इस लानत को, हॉर्स ट्रेडिंग को इंतखाबात से ख़त्म करना है। आपने देखा पंजाब असेंबली में लेन देन हुई है, वहाँ पैसा चला है, नोट चला है, इधर सिंध हाउस में जो हुआ है नेशनल असेंबली के मेंबरान को खरीदा गया है। हमने तो पहले कह दिया था कि हम तो कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और पब्लिक ने भी अपनी कार्रवाई कर दी, इन्होंने अपनी सियासत ख़त्म कर दी है, जो जो मुनारिफ अराकीन है उनकी सियासत ख़त्म, अब वो हलकों में जाएं, इलेक्शन होने वाला है 3 महीने के अंदर इलेक्शन होगा इंशाल्लाह, पूरी कौम का मुतालबा है आप अपने हलकों में जाएंगे आपको लग पता जाएगा, अव्वल तो आप यहाँ से तहायत नए लोगे इंशाल्लाह, और अगर नहीं भी होते आप इलेक्शन में जाते आपकी सियासत ख़त्म है, अब आप इलेक्शन नहीं जीतेंगे, अब आपको 100 से ज़्यादा वोट ही नहीं पड़ने, पूरी मुश्किल से आपके खानदान वाले वोट दे दे वो भी नहीं देंगे, आधा खानदान भी इनका वोट नहीं देगा, इनकी सियासत ख़त्म हो गई है इंशाल्लाह। इमरान खान साहब मीनार पाकिस्तान लाहौर 21 अप्रैल जुमेरात को एक तारीखी जलसा करने जा रहे हैं, वही मकाम, वो तारीख मकाम जहाँ कायद आज़म की क्यादत में मीनार पाकिस्तान पर पाकिस्तान बनाने की करारदाद मंजूर हुई थी, अब इंशाल्लाह इमरान खान की क्यादत में पाकिस्तान बचाने की करारदाद मंजूर होगी। और जिस तरह आपने देखा पेशावर में, कराची में, जिस तादाद में पब्लिक बाहर निकली है, फैमिली, बुज़ुर्ग, बच्चे, औरतें, नौजवान और पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, पूरी दुनिया में, अफ्रीका में,
जिस तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फायर निकल रहे हैं, उन सब की एक आवाज है और वो है कि इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। इस इम्पोर्टेड हुकूमत को घर भेजना है, इनको उठा के बाहर फेंकना है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो पाकिस्तानी कौम की डिमांड है कि फौरी इंतखाबात करा जाए, आए अवाम का मैंडेट लेके आए, फील्ड में आए और इंशाल्लाह बहुत जल्द इलेक्शन होने वाले हैं। इंशाल्लाह हम देख रहे हैं जल्द इलेक्शन होंगे, मुतालबात सामने आ रहे हैं, अवाम का मुतालबा सामने है और इंशाल्लाह इमरान खान चंद हफ्तों के बाद एक बार फिर वजीर आजम पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज बताएं कि तोशा खाना के हवाले से वजीर आजम खान साहब ने जब पहले वजीर आजम के खिलाफ ये केस बने तो बड़ी खान साहब ने इसकी तनकीद की और केसेस भी चल रहे हैं अभी भी उस साहब का जो वजीर आजम रहे, खान साहब के खिलाफ अभी ये चीज़ें चल रही हैं, FIA की इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, जल्द उस पर भी सारी चीज़ें सामने आएंगी। सवाल ये है कि जितने भी सहायक खान साहब को मिले हैं उस तमाम का खान साहब अपने साथ ले गए हैं और उंगलियाँ उठाई जा रही हैं, तो आप ये समझते हैं कि खान साहब उस पर आगे एक्सप्लेनेशन दे दें कि कितने सहायक को अपने साथ लेके गए और उसमें क्या बोल रहे हैं? इमरान खान का पूरा ऑडिट करके देखें इस हवाले से, करें केस जो मर्जी है, करें इन्वेस्टिगेशन करें। इमरान खान सुरखरू हैं, उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया और इनके है क्या, ये निकालेंगे क्या इमरान खान का? ये तो झूठे मुकदमात, करेक्टर एसेसिनेशन की इन्होंने कैंपेन चलानी है, इन्होंने पूरी कोशिश करनी है, लेकिन इमरान खान सुरखरू है। मैं कह रहा हूँ पूरी तहकीकात कर ले, इसका सीधा जवाब तो ये है भाई देव, आगे तहकीकात करो, एक एक चीज को ऑडिट करो। यही लोग हैं जो पैनापा पे आवाज उठाने पे इमरान खान को इधर सुप्रीम कोर्ट लेके आए थे, ऑडिट हुआ था यहाँ पे, उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने पूरा ऑडिट किया था इमरान खान साहब का, एक एक चीज देखी थी, एक एक चीज देखी थी। इमरान खान अदालत से सादिक और अमीन डिक्लेयर हुए थे। अब ये तोशा खाना, ये एक एक चीज देख ले इमरान खान की, ऑडिट कर ले, पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ले, इंशाल्लाह इमरान खान सुरखरू है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक सर,